सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ रहे थे? डिबेंचर्स पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? डिबेंचर्स। हम क्या पढ़ रहे थे? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ भैया, वही है ना कंपनी अकाउंट फर्स्ट चैप्टर। हां हां सही जा रहा है, एक ही है, वीडियो पूरी देखता है ये। ठीक है, डिबेंचर्स के बारे में सुनना। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, था शेयर्स। पिछले चैप्टर में क्या था? शेयर्स। अगर बोलूं तो इक्विटी शेयर्स है ना। कौन सा शेयर्स? एक था इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। डिफरेंस हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा है। ठीक है, बस एक तरह का क्या होता है शेयर। शेयर खरीदने से तुम क्या बनते हो? मालिक। शेयर खरीदने से तुम क्या बनते हो? मालिक। पर कभी कभी ना, मैंने आपको बताया था, देखो अरे घुसाई भाई आते कलाकारी शुरू, बातें आते करने सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला था, सिंपल सी बात बोली थी कि भाई जब तुम क्या करते हो, जब तुम मालिक बना देते हो तो क्या हो जाता है भाई, बहुत किचकिच हो जाती है। कैसे भाई? एक अकेला मालिक हूँ, जो डिसीजन लेना अभी लेना। ठीक है, अब एक ही किसी से सलाह नहीं, खुद ही। अब भाई मान लो मैंने शेयर इशू कर दिया तो आप सब भी मालिक बन गए, तो आप सबकी सुननी पड़ेगी, नहीं सुननी पड़ेगी। तो कभी कभी कंपनी क्या करती है भाई, इससे बचे कैसे? ठीक है, हम हमें पैसे भी चाहिए और हम नहीं चाहते कि हम अपना मालिकाना किसी से। ठीक है, हमें पैसे भी चाहिए और हम नहीं चाहते हम अपना मालिकाना ये फिर गिराएगा, जो जाता है गिरा के जाता है। अरे भाई मैं करा गुसाई भाई बाद में आया ना वो। नहीं नहीं मैं करा गुसाई परफ्यूम लगा के आया। परफ्यूम प्रिंसु? नहीं नहीं ये अच्छा प्रिंसु लगा रहा है। मैं सोचा प्रिंसु को भी लगाया होगा, बैठ गया फिर पढ़ने बैठ गया। ठीक है, तो हमने बोला था कि भाई कंपनी को पैसे भी चाहिए और मतलब वो चाहती कि उनका मालिकाना हक बटे भी ना, और बैंक भी उन्हें लोन नहीं दे रहा। बैंक भी उन्हें लोन नहीं दे रहा। बैंक बोल रहा भाई अब वैसी मंदी चल रही है, अगर चाहिए तो 10% 12% पे लोन लो। ठीक है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट बोल रहे हैं कि भाई 12% पे लोन लो। एक ये भी बात होती है, पता है बैंक वाले बता 20% इंटरेस्ट वो करते हैं, और जब हम डिवेंचर इशू करते हैं ना तो डिवेंचर को 7% 8% 12% बच रहा है हमारा। जगह सही कह रहा हूँ? अब तुम बोलोगे भैया 12% से क्या होता है भाई, अगर तुम 1 करोड़ की टर्म्स में देखोगे 1 करोड़ का 12% कितना होता है? 12 लाख। ठीक है, तो मतलब खाली तुम 8 लाख पे कर रहे हो 20 लाख की जगह, तो बहुत बड़ी एक टर्म आ जाती है। बात समझ आई? तो भाई इसलिए हम क्या करते हैं डिवेंचर इशू करते हैं। डिवेंचर किसे इशू करे जाते हैं भाई? जनरल पब्लिक को। किसे इशू करे जाते हैं? जनरल पब्लिक को। अदर लोगों को भी इशू करे जाते हैं, पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं जनरल पब्लिक। जैसे शेयर हम जनरल पब्लिक को इशू करते थे ना, पहले चैप्टर की सारी वीडियोज अवेलेबल है, देख कर आना। ठीक है ना, उससे समझ जाओगे। सेकेंड चीज क्या थी भाई? सेकेंड चीज ये थी कि भाई जब हम इशू करते हैं तो वो जो जिसे हम इशू करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिवेंचर होल्डर्स। वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिवेंचर होल्डर। जैसे कि हम जिसे शेयर इशू करते थे वो हमारे क्या कहलाते थे? शेयर होल्डर्स। ये क्या कहलाते हैं? डिवेंचर होल्डर। इस पे क्या होता है भाई, अगर मान लो इस साल हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हम उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे डिवेंचर होल्डर का? भाई ऐसे नहीं है, इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या बैंक से? कभी तुमने लोन लिया है, बैंक क्या पूछता है? अरे प्रॉफिट हुआ है सर, प्रॉफिट हुआ तभी हमारा ब्याज देना। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, बैंक बोलता है कि भाई चुपचाप ब्याज निकाल देना, प्रॉफिट हो चाहे तुम्हारी जेब में 1 रुपया ना हो। ठीक है, पर कहीं से भी पैसे ला के हमें 2 पैसे। बात समझ आई? कहीं से भी पैसे ला के हमें 2 पैसे भाई, हम नहीं जानते। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात क्या होती है भाई, इनका इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स्ड होता है, और फिक्स्ड हमें पता था चलता है इनका इंटरेस्ट कितना मिला है। जो इनका नाम होता है ना, इनके नाम में इंटरेस्ट दिया होता है, जैसे कि 9% डिबेंचर दिया है, जैसे कि 9% डिबेंचर दिया है। इसका मतलब क्या है? 9% पे करेगा पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? एक साल में 9% इंटरेस्ट लगेगा। अब ये इंटरेस्ट कैसे पे हो सकता है? साल में एक बार भी पे हो सकता है। हम बोलेंगे भाई साल में एक बार 31 तारीख को आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। साल में 2 बार भी हो सकता है, साल में मतलब 6 महीने में आधा इंटरेस्ट और बाकी 6 महीने में आधा इंटरेस्ट। साल में 4 बार भी हो सकता है, इसे कहते हैं हाफ ईयरली, इसे कहते हैं क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टर मतलब एक चौथाई। ठीक है, ठीक है, और 12 महीने हर मंथ भी कर सकते हैं। ज्यादातर आपके इसमें क्या आएगा, ये दोनों केस आएंगे, या तो एक बार पे कर रहे हैं या 4 बार पे कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई? डिवेंचर इशू करने का भी सेम प्रोसेस होता है, डिवेंचर इशू करने का भी सेम प्रोसेस। एक और चीज बताई थी, डिवेंचर कितने सालों के लिए इशू होते हैं? 5 ईयर्स के। ठीक है भैया, क्या 5 ईयर्स से ज्यादा के लिए हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, केस है एक, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो ठीक है, और 5 साल मैक्सिमम इसकी एज होती है। 5 साल के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? पैसा जनरल पब्लिक का वापसी करना पड़ता है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, डिवेंचर एट पार भी इशू हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखो हर चीज ना, मान लो कुछ भी हम इशू करते हैं, ठीक है, जैसे ना हम ना छोटे से छोटा लोन पे विश्वास रखते हैं। हम बोलते हैं कि भाई एक जने से 100 रुपए लेंगे, और अगर 10,000 जने से रुपए लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए बन जाएगा। सही कह रहा हूँ?
तो इतने जने तो होंगे ना, ऑब्वियसली देखो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे। अगर मैं किसी से आपसे 10 लाख रुपए मांगू आप दे दोगे? नहीं ना। आपसे मांगू आप दे दोगे? नहीं। तो भाई इसलिए हम एक क्या करते हैं, डिनोमिनेशन कर देते हैं। अगर मैं आपसे 100 रुपए मांगू 100 दे दोगे? 100 100 100, ठीक है। 100 रुपए हमारे सबके बस में होता है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, देखो आप 100 के मल्टीपल में मेरे को कितने पैसे दे सकते हो। तो आपने बोला मेरे पे 1000 है, तो मैं आपको 1000 रुपए दे देता। ये भाई 10,000, ठीक है। भाई ने अपना, भाई अपना खाली 100 रुपए, भाई बोल रहा बाकी खर्च वर्च करना है, भाई ने भी 1000 रुपए, ठीक है। अपना गुसाई भाई बोल रहा है गाँव जाना है, अभी खाली 500 रुपए ले जाओ, ठीक है। तो भाई ऐसे अलग अलग लोग अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने मतलब पॉकेट के हिसाब से पैसे देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए डिनोमिनेशन बहुत कम रखते हैं। डिनोमिनेशन क्या करते हैं, बहुत कम रखते हैं, ताकि सारे बंदे क्या कर सके, हमें पैसे दे सके। ऐसे ही 10,000 बंदों के पास चले जाएंगे, 10,000 100 100 जने दे देंगे, तो 10 लाख पूरे हो जाएंगे, रेदर देन एक बंदे से मांगने से, ठीक है ना। बात समझ आई? तो एट पार का मतलब क्या होता है कि भाई 100 रुपए फेस वैल्यू है और हम आपसे 100 रुपए ही मांग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप हमें दोगे 100 रुपए और आप हमारे कितने से कर्जदार बन जाओगे, इसका मतलब मेरे को कल को आपको वापसी कितने करने हैं, 100 रुपए ही वापसी करने हैं। एट प्रीमियम का मतलब क्या है, आप दोगे मेरे को ज्यादा पर मैं आपको लौटाऊंगा कम। इसका मतलब आपसे मांग रहे हो 1 से 10 रुपए पर आपको दूंगा 100 रुपए। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई मेरे को आपको, आप दे रहे हो ज्यादा, मैं लौटा रहा हूँ कम, ठीक है। तो इसमें आपका क्या फायदा, तो इसमें फायदा क्या होगा भाई, 5 साल में आपको इंटरेस्ट भी तो मिलना है। मान लो अगर 100 रुपए की चीज है, ठीक है, इसमें 10% इंटरेस्ट है। जाम लग रहा था, मैंने कहा फिर इससे बात करा दी, बात ही नहीं कर रही बोला था काट लेता उसकी पूछ पूछ मच्छर से, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा, वहां बैठ जाता हूँ भैया, फिर एक जने को तो बैठा, मुझे दिखेगा नहीं वैसे, तो हमें दिख जाएगा, ठीक है। 100 रुपए का है, 100 रुपए का 10% हमें इंटरेस्ट मिलना है। फॉर एग्जाम्पल पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल 10 रुपए, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवे साल, टोटल कितना होगा, टोटल आपको 50 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब है मैं आपको 100 रुपए तो वापसी करूंगा ही करूंगा, साथ में मैं हर महीने आपको 10 10 रुपए दे रहा हूँ, उसका मतलब 50 रुपए दे रहा हूँ 5 साल में। तो मतलब अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो आपने मेरे को 110 रुपए दिए, मैं आपको वापसी करूंगा 100 रुपए, पर हर महीने मैं आपको 10 10 रुपए और दूंगा किस चीज का, इंटरेस्ट का, ठीक है। तभी लोग ज्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तभी लोग ज्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और आप फिर से सवाल उठेगा भाई, जब आप एक मान लो एक कंपनी पार पे इशू कर रही है और एक कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है और एक कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, आप बोलोगे कि भाई मैं तो डिस्काउंट वाला लूंगा, मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा, मेरे को क्या होगा कम पैसे भी देने पड़ेंगे, ज्यादा मिलेंगे, तो मेरा फायदा ही फायदा। तो भाई प्रीमियम पे कौन सी कंपनी इशू करती है बताऊं? अब देखो एक दोस्त होता है बंगाली भाई जैसा, ठीक है, और एक दोस्त होता है अपना दीपक भाई जैसा, ठीक है। बंगाली भाई बोलता भैया आप मेरे को खाली 90 रुपए दे दो, मैं आपको 100 रुपए वापसी करूंगा, ठीक है। अपना क्या कहता है, अपना भाई कहता है आप मेरे को 100 रुपए दो, मैं आपको 100 रुपए वापसी करूंगा, ठीक है। तो मैं किसको देना पसंद करूंगा, खुद बताओ, उसको देना पसंद करूंगा जो मेरे को टाइम से वापसी कर देगा, ठीक है। तो मैंने बोला बंगाली भाई तो ऐसे ही है, बंगाली भाई अपना कहा है? तो ये एक तरह का फंसाने की ट्रिक होती है ना कंपनी के बीच, समझ रहे हो। तो हम कंपनी को बैकग्राउंड देखेंगे, हम क्या देखेंगे, कंपनी को बैकग्राउंड देखेंगे। मेरा मतलब यही था बताने का, कंपनी का बैकग्राउंड देंगे कि पैसा हमें कौन वापसी कर देता। तो इसलिए कंपनियां प्रीमियम पे भी इशू करती है ना, तो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि भाई हम देखते भाई टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इनका इंटरेस्ट भी ज्यादा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कंपनी के डिफॉल्ट करने के चांसेस भी कम है, कंपनी भागेगी भी नहीं, अच्छी कंपनी, तभी लोग प्रीमियम पे पैसा देने के लिए तैयार हो जाते, ठीक है। तो इसमें 100 रुपए को क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू, और 110 को बोलेंगे इशू प्राइस, और जो 10 रुपए एक्स्ट्रा होगा उसे क्या कहेंगे, प्रीमियम, और जो 10 रुपए है इनको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है। अपने गौरव भाई ने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं। एड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि भाई आप दो मेरे को खाली 90 रुपए, मैं आपको लटाऊंगा 100 रुपए, और प्लस जो इंटरेस्ट है वो तो है, ठीक है। तो बंदे तो इसमें होंगे अट्रैक्ट कि भाई हम दे रहे हैं 90 रुपए और हमें वापसी मिल रहा 100 रुपए, तो 10 रुपए तो यही हो गया और 50 रुपए और हो गया, तो हमारा फायदा ही फायदा। तो डिस्काउंट में वो कंपनी ज्यादातर इशू करते हैं जिन्हें भाई कहीं से लोन ना मिल रहा हो, जो डिफॉल्टर टाइप, ठीक है ना, बात समझ आई, ठीक है। दीपक भाई दो साल में नहीं करते ना, टर्म होती है, ज्यादातर नहीं करती कंपनी, ठीक है, पर हाँ केस होते हैं जिसमें कर देती है। अलग अलग टाइप के डिवेंचर होते हैं, बताया तो मैंने, डिवेंचर में अलग अलग टाइप होता है। एक होता है कि हम पहले भी पे कर सकते हैं,
अब देखो पहले पे कर दिया आपने तो बंदों का नुकसान हो जाएगा भाई, इतना इंटरेस्ट नहीं मिला हमें, ठीक है। अलग अलग तरह के डिवेंचर्स होते हैं बताया ना मैंने आपको, तो एक डिवेंचर होता है जिसमें पहले भी पे कर सकते हैं, एक डिवेंचर होता है नहीं भाई आखिरी में पे करोगे, ठीक है ना। टाइप ऑफ डिवेंचर हमें नहीं पढ़ने, लगेगी जरूरत तो लास्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है। या यहाँ तक बात समझ आई? अभी थोड़ा हम देख रहे हैं कि भाई डिवेंचर जो इशू होते हैं वो कैसे होते हैं। डिवेंचर इशू और शेयर इशू दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, दोनों का प्रोसेस क्या होता है बिल्कुल सेम। और एक और चीज, ठीक है, क्या पता आपके एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए इसलिए बता देता हूँ, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से सुनना। किसी ने सुना है टम? नहीं भैया, आज बड़ा खुश हो रहा है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, ध्यान से सुनना। जब भी हम शेयर और डिवेंचर इशू करते हैं ना, जब भी हम शेयर और डिवेंचर इशू करते हैं, ठीक है, तो जो खर्चा होता है ना, देखो सिंपल सी बात है, पेपर वर्क होगा, ठीक है, थोड़े बहुत चार्जेस भी लगेंगे, तो जो खर्चा हो रहा है ना उसे क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी हम शेयर्स या डिवेंचर इशू करते हैं और जो उस पर खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। आपका ट्रू फॉल्स आ सकता है, क्या पता आपका एमसीक्यू आ जाए व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, क्या पता आपको ना पता हो तो बता दिए एक नंबर का, ठीक है, जितना याद रहेगा, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जो खर्चा होता है उसमें क्या कहते हैं, क्या जो काम वाम में खर्चा होता है, पेपर का शेयर और डिवेंचर दोनों इशू करने में जो खर्चा होता है, इशू करने में तू पेपर बोल के आ जाए, कहीं देखा भाई पेपर पेपर तो दिखा नहीं है, इशू करने में, इशू करने का मतलब क्या होता है, जनरल पब्लिक को हम दे रहे हैं। अरे भाई तेरी क्लास ऑनलाइन होती है मैथ की या ऑफलाइन जाता है? ऑफलाइन जाता है ना। ऑफलाइन कितने आते हैं मैथ के? मैं तो भैया कल से ही जाऊंगा। कितने आते हैं मैथ में? पैसे कौन चले जाएगा? तो तीन चार में छोड़ के सारे जाते हैं। तू भी था ना मैथ में? ना। अच्छा तो रितु दीदी है। अच्छा दीदी, और दीदी क्लास में जा रहा है? नहीं। हाँ कितने आते हैं? अभी ऑनलाइन ले 1500 ले लेंगे। ऑफलाइन आते हैं? सही यार। और ऑनलाइन भी लेते हैं ना भैया, जूम पे साथ साथ? कल पे एक दो आते हैं सर। ऑनलाइन भैया आते ज्यादा, ऑफलाइन आ रहे हैं। अब वो बोल रहा हूँ तीन चार नहीं आते, बाकी सारे आते हैं। इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, अपना काम हो जाएगा। 50 में क्या एक बार तो खरीदता भी नहीं है तो। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं भाई, भरोसा तुम तो क्या क्या ले रहे हो। देखो जो डिवेंचर इशू करने का प्रोसेस होता है ना, मैंने आपको बताया सेम होता है, डिवेंचर इशू करने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है शेयर की तरह। कैसे करते हैं हम, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करते हैं हम भाई, एक पर्चा बांटते हैं सबको कि भाई हमारे डिवेंचर है, खरीदना है तो खरीद लो, मतलब क्या करते हैं इशू करते हैं। इसमें भी क्या होता है, ऑथराइज हमें क्या होता है, अलग अलग ना, मतलब देखो गवर्नमेंट बैठी है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटी सी कंपनी हूँ, मैंने बोला कि भाई 10 करोड़ की मेरे को जरूरत नहीं है, ना मेरी औकात है, 10 करोड़ चाहिए मेरे को। अब लोगों ने भी देखा, अच्छा 10 करोड़ चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, दे दिए पैसे, मैं भाग गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रेगुलेट करती है भाई, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल था, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है, देखो जो कंपनी होती है ना, कंपनी क्या होती है भाई, सारी गवर्नमेंट के निरीक्षण में होती है, क्योंकि अगर कंपनी ने कुछ घपला कर दिया ना, कंपनी ने कुछ घपला कर दिया तो गालियाँ किसको पड़ेगी, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बोलता है हर चीज़ की मर्जी से परमिशन लो, ठीक है। जब शेयर्स इशू कर रहे होते हैं तो शेयर्स में मैक्सिमम कंडीशन डाल देते हैं जिससे कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, कि भाई तुम इतने से ज़्यादा शेयर कैपिटल नहीं उठा सकते वो जनरल पब्लिक से, ठीक है। वैसी क्या होता है, वैसी सेम चीज़ होती है किसमें, डिवेंचर्स में, बोल देता है कि भाई इतने से ज़्यादा डिवेंचर्स तुम जनरल पब्लिक से नहीं ले सकते, ठीक है, पर आपके बुक में कहीं भी दिया नहीं हुआ, बस आपकी जनरल कंडीशन के लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। फिर क्या करता है, इशू करते हैं डिवेंचर, क्या करते हैं इशू करते हैं, या तो देखो इशू मान लो 10,000 इशू करें, ठीक है, हमें चाहिए 10,000 डिवेंचर, और एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का, एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का, 10,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का। इसका मतलब क्या है, हमें कितने पैसे चाहिए, 10,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 रुपए का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमें कितने रुपए की जरूरत है, 1,000,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। या तो इशू फुली सब्सक्राइब होगा, ठीक है, फुली सब्सक्राइब मतलब 10,000 थे, 10,000 ही हो गए, या तो इशू अंडर सब्सक्राइब होगा,
ठीक है, अंडर सब्सक्राइब का मतलब आपको याद है कि भाई हमें याद है कि अगर हमने 10,000 शेयर इशू करे शेयर, तो अगर इसके 90% क्या है 9,000 से कम अगर शेयर हमारे पास आए तो हम क्या करते थे भाई, सिंपल सी बात है, अगर 90% से कम आए तो हमें सबका पैसा वापसी करना पड़ेगा। 89.9% भी अगर सब्सक्राइब हुए ना तो हमें सबका पैसा वापसी करना पड़ेगा, मान लो 8999 खाली एक बंदा रह गया था सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, तब भी हमें पूरे 899 का पैसा वापसी करना पड़ेगा। ये किसमें था, शेयर्स में। अब डिवेंचर्स में पता है क्या होता है, डिवेंचर्स में थोड़ी सी कंडीशन कम करी है, डिवेंचर्स में करी हुई 75%। इसका मतलब क्या, 10,000 शेयर है, अगर 7500 से नीचे एप्लीकेशन आएगी ना हमारे पास तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, सबका पैसा वापसी करना पड़ेगा। बात समझ आई, ठीक है। शेयर्स में 90% है और यहाँ पे कितना है, 75%। इसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज, की मिनिमम 75% आना चाहिए, अगर 75% से कम आया तो हम क्या करेंगे, सबका पैसा वापसी कर देंगे, ठीक है। फुली सब्सक्राइब होगा या ओवर सब्सक्राइब होगा, देखो सिंपल है, अभी तुम पूरा समझ जाओगे जो हमने पूरा उसमें पढ़ा है ना, तुम्हें कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रिवाइज करो, मतलब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सारा पिछले की तरह है, बिल्कुल डिटो, ठीक है। फुली सब्सक्राइब वाला देखते हैं भाई, पैसा हम लमसम में भी मंगा सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी मंगा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो जाता है, टुकड़ों में पैसा मंगाना, मान लो 100 रुपए पहले मंगाए 20, फिर 30 और फिर 50, लमसम मतलब एक ही बार में 100 रुपए मंगा लिए, ठीक है। एट पार भी इशू कर सकते हैं, एट पार का मतलब है कि भाई 100 रुपए की सीट 100 रुपए में ही कर दें, ठीक है। एट प्रीमियम का मतलब क्या है, एट प्रीमियम का मतलब है 100 रुपए की चीज किसमें कर रहे हैं, 110 पे, और एट डिस्काउंट का मतलब है 100 की चीज 90 पे कर रहे हैं, ठीक है। एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट का बिल्कुल सेम केस है, बस एट प्रीमियम और एट पार का सेम केस है, एट डिस्काउंट वाला देखना है हमें, ठीक है। जनरल एंट्री करते हैं, सिंपल सा है, देखो हम क्या करते थे, पहले देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे शेयर्स की एंट्री, यहाँ पे देखेंगे डिबेंचर्स की एंट्री, ठीक है। सबसे पहले ना क्या होता है, लमसम देख रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट बिल्कुल आपको सेम समझ आ जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि भाई हमने इशू कर दिए शेयर्स, आप मेरे को भेजते हो एप्लीकेशन, कि हम आपको अपना पैसा देना चाहते हैं और साथ में मेरे को अमाउंट भेज देते हो कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। अमाउंट भेज दिया, मैंने पूरा मंगाया तो पूरा भेजोगे, इंस्टॉलमेंट में मंगाया तो इंस्टॉलमेंट में भेजो, ठीक है। तो भाई क्या होता है, आप मेरे को क्या करोगे, अमाउंट भेजोगे और साथ में एप्लीकेशन भेजोगे, ठीक है ना। लमसम का केस है, तो शेयर्स में क्या होता था भाई, एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा आएगा भाई, 10,000 शेयर हमने इशू करे और एक शेयर 100 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, तो कितना आ जाएगा, 10,00,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा, यही होता था। अब डिवेंचर्स में पता है क्या होगा, डिवेंचर्स में भी देखो हमारे पास पैसा आया और साथ में एप्लीकेशन आई है, ठीक है। तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू वहां शेयर एप्लीकेशन लिखते थे क्योंकि शेयर इशू हो रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बात समझ आई, बात वही 10,00,000 रुपये आएंगे पूरे, 10,00,000 कैसे भैया, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर कितने का है, 10,00,000। बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे भाई, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देते थे, कहां भाई, हमने सबकी एक्सेप्ट कर लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, फुली सब्सक्रिप्शन का केस, सबकी एक्सेप्ट कर लिया और सबको कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में, सबकी एक्सेप्ट कर लिया और सबका ट्रांसफर कहां कर दिया, शेयर कैपिटल में, सबको क्या बना दिया, मालिक बना दिया। इसमें क्या होगा भाई, जो डिवेंचर एप्लीकेशन में पैसा है वो ट्रांसफर होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10,00,000 क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अब ये बात आई, शेयर कैपिटल में करेंगे नहीं, शेयर कैपिटल में कर देंगे तो बन जाएंगे मालिक, पर क्या डिवेंचर मालिक बनते हैं, नहीं भैया वो हमें लोन देते हैं, तो इसका हम लिख देंगे टू, जो हमें परसेंटेज दी होगी ना, मान लो ऐसे दिया होगा कि हमने 5% डिवेंचर इशू करें, हमने क्या करें 5% डिवेंचर इशू, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे टू 5% डिवेंचर अकाउंट 10,00,000। ये पता है क्या शो करता है, ये शो करता है कि 10,00,000 डिवेंचर, 10,00,000 के डिवेंचर में हमें 5% क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, और वो कब पे करेंगे, इंटरेस्ट वाले पार्ट में करेंगे जब हम इंटरेस्ट सीखेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बींग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और यहाँ लिखोगे बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, डायरेक्शन लिखते हैं ना, ठीक है भाई, ये बात समझ आई। वहां शेयर कैपिटल लिखे थे, पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपको दिया होगा ना, अगर यहाँ 6% डिवेंचर दिया होगा, यहाँ 6 लिखो, 10 दिया होगा 10 लिखो, 10% डिवेंचर,
बात समझे? अगर यही केस इसका होता था इंस्टॉलमेंट का, तो भाई पहला एप्लीकेशन हो जाता, दूसरा क्या हो जाता, अलॉटमेंट। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मान लो ये कौन सा है, इंस्टॉलमेंट का केस। तो इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता भाई, सिंपल सी अगली एंट्री क्या होती, शेयर में क्या होती, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होती। पर इसमें क्या होगी भाई, डिवेंचर अलॉटमेंट। इसमें क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू 6% डिवेंचर्स, टू 6% डिवेंचर्स। बात समझ आई? और फिर इसमें क्या होता था, पैसा आ जाता था, वैसे इसमें भी क्या होगा, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सॉरी, फर्स्ट कॉल में क्या होगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू 8% या 6% एज द केस में भी डिवेंचर्स, और जब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है। डिट्टो सेम है शेयर्स की तरह, भाई को थोड़ा बहुत कम समझ आया होगा। बोल बोल भाई बोल, जहाँ भी डाउट है पूछ ले। कैपिटल है वहाँ पे डिवेंचर ही डिवेंचर है। बिल्कुल, वो डिवेंचर नहीं, आगे उसकी परसेंटेज भी लिखनी होगी, ठीक है। ज्यादातर आपको लमसम के केस दिखाई देंगे, इसके केस बहुत कम दिखाई देंगे, बस सिर्फ मैंने इंस्टॉलमेंट का बता दिया। ये वाला समझ लो, ये एंट्री समझ लो, पहले पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, पहला पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या आई है साथ में एप्लीकेशन, किस चीज के लिए, डिवेंचर के लिए, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है, डिवेंचर और एप्लीकेशन अकाउंट कितना आया लिख दिया। फिर उस डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या बना देंगे, अपने क्रेडिटर बना देंगे कि हम इनके कर्जदार हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, टू 6% डिवेंचर अकाउंट। बात समझ आई, ठीक है। ज्यादातर लमसम का केस आएगा, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया तो भाई ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा अलॉटमेंट इसमें भी है पर आती नहीं है, प्रोराटा अलॉटमेंट इसमें भी है पर आती नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं जो सामान लाए वही छोड़ गया, ठीक है भाई। लमसम का केस ज्यादातर आएगा तो एंट्री आए देख लो, ये है। इंस्टॉलमेंट का केस मुश्किल आएगा, पर मैंने एंट्री आपको बता दी है। ओवर सब्सक्रिप्शन केस बिल्कुल वैसे ही है। देखो, अगर हम लमसम में इशू करेंगे तो याद करो, मैं आपको बताता हूँ। एक लमसम का केस होता था और एक किसका केस होता था, इंस्टॉलमेंट का। सिंपल से देखो, मैंने डिवेंचर इशू करे, मान लो मैंने 5 डिवेंचर इशू करे, आप सबको बोला कि भाई सब्सक्राइब करो, तो कितने सब्सक्राइब कर सकते हैं, 5। पर आप 6 लाइन में खड़े हो गए, आपने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो भाई हमारे पास डिवेंचर है 5, आप आ गए 6। तो देखो सबसे पहला केस क्या, मान लो बंगाली लास्ट में उड़ा, चल बंगाली निकल, ठीक है। उड़ा तो नहीं माना बंगाली भाई समझ गया, फीलिंग समझ गया, ठीक है। भाई को नहीं बोल सकते, तो हमने बोला बंगाली भाई निकल, तो क्या हुआ, आप थे 5 थे, आप 5 ही बचे, तो 5 को डिवेंचर क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। तो सबसे पहला केस क्या था, रिजेक्शन। डिट्टो वही एंट्रीज होगी जो रिजेक्शन में उस टाइम करते थे ना। पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, जितना पैसा आ गया, ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू -% डिवेंचर, डिवेंचर मतलब 6% डिवेंचर टू 6% डिवेंचर, और जितना पैसा वापसी कर दिया टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये इतनी एंट्रीज होगी, और प्रोराटा हमारे इसमें है नहीं, फालतू आया, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको टाइम वेस्ट है, ठीक है। कभी भी डिवेंचर प्रोराटा क्वेश्चन नहीं आता, ये बात समझ आई सबको? हाँ भैया, एक बार इसे नोट कर लो, ठीक है ना। फिर मैं एक बार देख रहा था, कुछ प्रीमियम का भी केस बता देता हूँ। देखो प्रीमियम का भी सिंपल है, साथ साथ बता देता हूँ। मान लो 110 का शेयर इशू करा, तो यहाँ पे 110 आ जाएगा और यहाँ पे 11 लाख रुपए आ जाएगा हमारे पास, सही कहा। ये जो 11 लाख रुपए हैं शेयर एप्लीकेशन के, 10 लाख तो शेयर कैपिटल में चले जाते थे, और बाकी का जो 1 लाख आया वो कहाँ चले जाता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, सही कह रहा हूँ भाई। डिवेंचर में क्या अलग होगा, डिवेंचर का भी तो प्रीमियम हुआ वैसा है, तो वो भी कहाँ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो भाई यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, 11 लाख रुपए आएगा ना, तो 10 लाख का तो मतलब ये 10 लाख पता है क्या शो कर रहा है, 10 लाख शो करेगा कि हमें इस 10 लाख में 6% देना है, पूरे 11 लाख में नहीं देना, इस 10 लाख में। तो बाकी का पैसा कहाँ चले जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, बाकी का 1 लाख। इस 1 लाख में हमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, खाली हमें किस पे इंटरेस्ट पे करना है, जो हम इस कैपिटल अकाउंट, इस डिवेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं ना, इतने का ही हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। बाकी का 1 लाख तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में, वो हमने एक्स्ट्रा पैसा मंगाया था आपसे, क्यों, क्योंकि हमारे कंपनी का नाम था, हम टाइमली पेमेंट करते हैं सबको, आपको इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आ जाती है, बात समझ आई, सिंपल।
ठीक है वही नोट कर लो फटाफट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। और एक बुक दिखा दो मेरे को फटाफट फटाफट बुक दिखा भाई उसे भाई। देखो अब डिस्काउंट वाला बताना है, डिस्काउंट वाला एक बार बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे लिखा होगा पहले। इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन। देखो इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 95 rupees। इसका मतलब क्या है? वो 100 rupees के पर हम दे कितने कर रहे हैं 95 को, तो 5 rupees का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट। 5 rupees का क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट। ठीक है तो भाई इसमें कैसे करोगे? आप डिबेंचर की एप्लीकेशन मंगाओगे, ठीक है? डिबेंचर की एप्लीकेशन मंगाई, बताओ आप मेरे को कितना पैसा दोगे? 95 या 100? मंगाए कितने मैंने? 95 मंगाए मैंने। कितना मंगाया? 95। आप दोगे कितने? 95 दोगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पे एप्लीकेशन आएगी और साथ में बैंक में पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बी एप्लीकेशन रिसीव। 10,000 शेयर इशू कर रहे हो भैया और कितने पैसे आ रहे हैं आपके बैंक में? भैया 95 rupees मंगाए तो 95 तो आएंगे, तो पैसे कितने आएंगे? 9.5 lakh rupees। पैसे कितने आएंगे? 9.5 lakh rupees। सही कह रहा हूँ? नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन का आपका जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? 8% डिबेंचर अकाउंट में, तो 9.5 lakh ट्रांसफर हो जाएगा। पर आपने क्या वादा करा है? आप ले रहे हो 95 पर आप वापसी करोगे 100 rupees और ब्याज भी आप 100 rupees के हिसाब से ही दोगे, 95 नहीं 100 rupees के हिसाब से दोगे। तो भाई जो 8% डिबेंचर अकाउंट में पैसा जाएगा, 8% डिबेंचर अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो कितने से जाएगा? भैया आपने 10,000 शेयर वालों को क्या वादा करा है कि आप 100 rupees वापसी करोगे, तो पैसा कितना जाएगा? 10 lakh rupees। तो बाकी का जो 50,000 है, बाकी का जो 50,000 है वो कौन सा अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो ये सिंपल सी एंट्री, क्या एंट्री है देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एंट्री क्या है। भाई आपने पैसा दिया पहले 95 rupees मंगाए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर वालों ने 95 rupees दिए, 9.5 lakh rupees आपके पास आ गए। 9.5 lakh rupees 8% डिबेंचर में ट्रांसफर करोगे, पर आपने वादा क्या करा है? आपने वादा करा है 10,000 को कि आप 100 rupees वापसी करोगे। वादा क्या करा है कि आप 100 rupees वापसी करोगे, तो कितना हो गया? 10 lakh rupees। बाकी का 50,000 क्या है? डिस्काउंट है। बाकी का 50,000 क्या है? डिस्काउंट है। तो वो कहाँ चले जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये आपका क्या है? एक तरह का लॉस है। ये क्या है? एक तरह का लॉस। तो ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिख दोगे? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है? ये कौन सा केस है? इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। बात समझ आई? सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।